या ब्रिजचे ऑडिट केल्यानंतर जे ऑडिटरने सांगितलं की ब्रिज जे आहे जे कंडिशन आहे तुम्ही रिपेरेबल कंडिशन आहे, जेव्हा रिपेरेबल कंडिशन आहे तो प्रशासन त्याला बंद करायला पाहिजे होते, कशासाठी बंद केले नाही? आणि ऑडिटचे ज्यांनी रिपोर्ट दिलेला आहे त्याच्यावर कारवाई करायला पाहिजे, त्याच्यावर FIR गुन्हा दाखल करायला पाहिजे. माझा मागणी असा आहे, जेव्हा हे महानगरपालिकामध्ये या वर्षी 225 कोटी मुंबईचे सगळे ब्रिजचे रिपेअरसाठी दिलेला आहे, ते पैसे कुठे गेले? जेव्हा तुमच्याकडे पैसे आहे, टॅक्सपेयरचे पैसे आहे, आणि स्टँडिंग कमिटीमध्ये तुम्ही जेव्हा पास करतात, वेगाने पास करतात, ते वेगाने काम होत की नाही ते बघायलासाठी सत्तेमध्ये कोण बसलेलं आहे? शिवसेना आणि भाजप सत्तेमध्ये बसले. त्याची जबाबदारी आहे की जेव्हा तुम्ही निवडून येतात सत्तेमध्ये बसतात, ऑफिसर बरोबर काम करत आहे की नाही, बरोबर ब्रिजचं काम करत आहे की नाही, रोडचे काम, नालेचे सफाई होत की नाही, त्याला बघायला कोण बघणार? ते ऑफिसर सत्तेमध्ये एक प्रस्ताव पास केले नंतर ते बघत नाही. त्याला फक्त प्रस्ताव पास करण्याचे मध्ये त्याला इंटरेस्ट आहे, बाकी काय इंटरेस्ट नाही आहे असा माझा आरोप. मैंने सुना है कि 300 FOBs का भी कोई ऑडिट वगैरह हुआ था, कहाँ है ऑडिट रिपोर्ट? इस पुल का भी ऑडिट हुआ था, ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? क्यों नहीं एक्शन लिया गया? मैंने सुना कि सितंबर महीने में कोई इसको दुरुस्त करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तय हो रहा था. इतने दिन लग जाते हैं, रोज हजारों की संख्या में लोग इस पंचारी पुल पे जा रहे हैं. तो ये पूरी तरह से जो फेलियर है BMC की है, रेलवे की, स्टेट गवर्नमेंट की है, इन तीनों एजेंसीज में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसकी वजह से ये हो रहा है. तो मुख्यमंत्री जांच का तमाशा हर घटना के बाद जो करते हैं उसको बंद करें. जो BMC में टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ कमिश्नर, वही पूरा BMC चलाता है, उसको तत्काल बर्खास्त करो. और शिवसेना के जो मेयर वगैरह है उनसे मेरा यही निवेदन है कि सिर्फ बंगले में रहने के लिए मेयर मत रहो. आज मुंबई के लोगों की जान जा रही है, रोज आग लग रही है मुंबई में, रोज बिल्डिंग गिर रही है, कहीं मेन होल में डॉक्टर साहब गिर के मर जाते हैं, एक पेड़ के नीचे कोई महिला गुजर रही है उसके ऊपर नारियल गिर जाता मर जाती है. अरे जांच का तमाशा करते बाद में बोलते BMC का कोई दोष नहीं, BMC का इसमें कोई दोष नहीं है. ये जो BMC पूरी तरह से फेल हो गई एजेंसी है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी सरकार को. और रेल मंत्री से मेरी इतनी गुजारिश है कि चमकदार बातें करना बंद करो, बुलेट ट्रेन का तमाशा बंद करो आप, ये जो आप हाई स्पीड ट्रेन का एक फर्जी वीडियो रिलीज करके दिखाते हैं वो सब बंद करिए. जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर फोकस करिए, उसको ठीक करिए, हमारे पुलों को ठीक करिए, प्लेटफॉर्म को ठीक करिए, सेफ्टी का इंतजाम करके दीजिए ताकि रेल यात्रियों की जिंदगी सुरक्षित रहे, रेल के पुलों पर चलने वाले लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे. दुर्भाग्यवश शिवसेना BJP दिल्ली से लेकर मुंबई तक मुंबई के लोगों की जिंदगी बचाने में फेल हो गई है, ये साफ साफ दिख रहा है.